विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। इन देवताओं को अपने जाल में फंसा कर सदा के लिए नष्ट कर दो इन्हें। इससे पहले कि कोई बाधा उत्पन्न हो, कर दो अपना छल युक्त प्रहार। वाह भैया, हम यहाँ देवताओं को लेकर चिंता में डूबे हैं, और वहाँ वहाँ क्या हुआ है गणेश? कुछ अनिष्ट हुआ है वहाँ? वहाँ हमारे देवगण इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव और कुबेर देव आसुरी स्त्रियों के नृत्य के सम्मोहन में लीन है। आसुरी पेय का पान कर उनके मिष्ठान भी खा रहे हैं। अनर्थ। इस बार तो देवता दोषपूर्ण व्यवहार की सभी सीमाएं लांघ चुके। हाँ भैया, और शुंभ के छल में फंस भी रहे हैं वो। किंतु गणेश, क्या है शुंभ की चाल? क्या तुम्हें उसका कोई अनुमान है? वही तो अभी तक याद नहीं कर सका हूँ भैया। चलिए भैया, मेरे साथ आइए। चलो, कहाँ चलो गणेश? भैया, शुंभ के राजभवन, उनके महोत्सव में। हाँ भैया, चलिए। ये तुम क्या कह रहे हो गणेश? अभी कुछ समय पूर्व तुमने ही तो कहा था कि देवताओं को अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतना चाहिए, अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए, और अब तुम स्वयं उनकी सहायता करना चाहते हो। उनकी सहायता करने की बात मैंने कहा की है भैया? मैं तो वहाँ जाकर शुंभ की योजना ज्ञात करना चाहता हूँ। इंद्रदेव और अन्य देवता तो उनकी राजसभा से इतने सम्मोहित है कि वो उनकी कपट योजना कदापि नहीं समझ सकेंगे, किंतु मैं और आप, हम दोनों ये अवश्य ज्ञात कर सकेंगे भैया कि अंततः शुंभ की योजना क्या है, क्या रहस्य है इसके पीछे। इसके पूर्व की बहुत विलम्ब हो जाए भैया, हमें ये वहाँ जाकर उजागर करना ही होगा। उचित। और भैया, मैं और आप भी तो देवता ही है ना? ये उत्सव देवताओं के सम्मान में ही तो है, इसलिए हमारा वहाँ होना सर्वथा उचित है। और फिर उत्सव के भोजन का आनंद अकेले कुबेर देवी क्यों उठाएं? हम भी तो हैं। ज्ञात नहीं, हम असुर वर्ग स्वर्ग के लिए युद्ध क्यों करते थे, जबकि क्या नहीं है हमारे पास? अता धन है, मणियां है, स्वर्ण है, बहुमूल्य रत्न है, हीरे हैं, रजत, लोह, ताम्र आदि सभी खनिज हैं। पाताल का सागर अनेक औषधों से परिपूर्ण है। संसार की सर्वाधिक सुंदर स्त्रियां यही है। फिर हम असुर वर्ग स्वर्ग के लिए संघर्ष क्यों करें? यही विचार कर मैंने मित्रता का मार्ग अपनाया। इंद्रदेव, और मैं अत्यंत प्रसन्न हूं कि आपने विवेकपूर्ण निर्णय लेकर मेरे मित्रता के प्रस्ताव को स्वीकार भी किया। मित्र शुंभ, मैं आपसे पूर्णतः सहमत और इस बात से अत्यंत प्रसन्न भी हूँ कि अंततः हमारी इस मित्रता के नवीन अध्याय के साथ हमारे मध्य के परस्पर विरोध से भी हमें हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त होगा, और हम सभी हमें प्राप्त समस्त निधियां और सुख सुविधाओं का आनंद ले पाए। इतना भी शीघ्र नहीं देवराज इंद्र, अभी तो अत्यंत स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत करेंगे जिससे हमारी मित्रता का माधुर्य और बढ़ जाएगा। तब तक अपने उधर को रिक्ति रखिएगा। अवश्य मित्र निशुम, मुझे भी उस स्वादिष्ट भोजन की प्रतीक्षा है। स्मरण है ना शुंभ, अब तुम्हें क्या और कैसे करना है?
सर्वप्रथम मित्रता का ढोंग करके तुम्हें देवताओं को यहां आमंत्रित करना है और फिर किसी प्रकार उनके साथ चौसर की क्रीड़ा आरंभ करनी है और फिर धीरे धीरे द्रुत क्रीड़ा आरंभ करनी है। सर्वप्रथम इस क्रीड़ा में पराजित होकर तुम्हें अपनी वस्तु में गवानी होंगी। पराजित होना है हमें? वस्तुएं गवानी है पर हम उन देवताओं से पराजित क्यों होंगे गुरुदेव? पराजित होने से देवताओं का लोभ बढ़ेगा और वो क्रीड़ा के प्रति और उत्साहित होंगे। इसके बाद उनसे उनका सर्वस्व छीन लेना है। द्रुत क्रीड़ा अर्थात जुआ एक ऐसी क्रीड़ा है कि जिसमें जब मनुष्य फंसता है अपना सब कुछ गंवाने तक क्रीड़ा करता रहता है। वो तुम्हें भी इंद्र को इसी क्रीड़ा में फंसाकर देवताओं का सब कुछ जीत लेना है तुम्हें। किंतु गुरुदेव हम स्वयं कैसे पराजित होंगे? चौसर की क्रीड़ा में तो सब कुछ पासों पर निर्भर होता है ना। ये मायावी पासे हैं असुर महानायक शुंभ, तुम जैसे चाहोगे वैसे ही ये गिरेंगे। वो परिणाम देंगे जो तुम चाहोगे। मायावी पासे देखो तो। देवताओं को अपने जाल में फंसाकर सदा के लिए नष्ट कर दो इन्हें। अब इस काम में विलंब उचित नहीं। स्मरण रहे आलस्यम अमृतम विषम, विलंब करने से अमृत भी विष बन जाता है। इससे पहले कि कोई बाधा उत्पन्न हो कर दो अपना छल युक्त प्रहार।
प्रथम पूज्य गणेश और देव सेनापति कार्तिकेय, ये दोनों भ्राता यहां क्यों हैं? कहीं ये हमारी योजना में बाधा तो नहीं उत्पन्न करेंगे? अरे वाह भैया, ये तो वास्तव में महोत्सव ही है। प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय हमें यहाँ देखकर कहीं क्रोधित तो नहीं? असुर महानायक शुंभ, संकट के संकेत हैं ये दोनों, बहुत चतुर हैं, इनसे सावधान रहेंगे नहीं तो ये हमारी योजना विफल कर देंगे। उचित तो यही होगा कि जैसे ये आए हैं वैसे ही लौट जाएं इसी क्षण। उचित है गुरुदेव, यही आपकी इच्छा है तो यही होगा। हमारे द्वारपाल सुप्तावस्था में है क्या? बिना हमारे अनुमति के ये दोनों भीतर कैसे आ गए? सृष्टि पर जब बड़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनय की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। ये क्या कह रहे हैं असुर महानायक शुंभ? देवोत्सव है ये, तो इसमें गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के सम्मिलित होने के लिए किसी अन्य अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। ए, तुम जो कोई भी हो, ये तुम्हारे जैसे बूढ़े पट्टों का विश्राम स्थल नहीं। ये मुंह उठाए और चले आए। ये महाराज शुंभ का राज महल है और ये उनकी राज्य सभा। बिना उनके अनुमति के तुम्हारी उपस्थिति का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव और कुबेर देव के इस असुर राज सभा में होने का क्या औचित्य है? एक भ्रष्ट विचित्र गजमुख बालक दिखाई नहीं देता तुम्हें? ये सब देवता है और मारा शुंभ ने इनके सम्मान में भव्य उत्सव का आयोजन किया है और ये सब हमारे अतिथि हैं। ओह, तो देवताओं के सम्मान में है ये उत्सव? तो मैं अपने अनुज का परिचय भी दे देता हूं। ये है प्रथम पूज्य गणेश। और ये है मेरे अग्रज देव सेनापति वीर कुमार कार्तिकेय। प्रतीत होता है ये दोनों किसी भी अवस्था में यहाँ से प्रस्थान नहीं करेंगे। ये देवताओं भी विचित्र हैं। एक विचित्र सा गजमुख उनका प्रथम पूज्य है। कैसा है ये देव सेनापति? इसे तो मैं पल भर में कुचल कर रख दूंगा। मुझे तनिक भी नहीं भा रहे हैं ये दोनों। असुर महानायक, अनुमति दे तो इन दोनों को यही भस्म कर दे हम। इंद्रदेव, आपने नवीन असुर महानायक शुंभ को इस बात से अवगत नहीं करवाया कि प्रथम पूज्य गणेश के बिना तो कोई भी उत्सव कोई भी समारोह अधूरा है? भूल तो हुई, किंतु आपसे नहीं विश्वकर्मा जी, स्वयं महादेव से हुई है ये भूल। मुझसे भूल हुई है देवी? कैसी भूल? जिसे प्रथम पूज्य के स्थान पर स्वयं आपने और समस्त देवताओं ने स्थापित किया था, उसी परम पूज्य गणेश की पूजा करना भूल गए आप। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। कुमार कार्तिकेय उचित कह रहे हैं, उत्सव का शुभारंभ तो प्रथम पूज्य गणेश जी से ही होना चाहिए। असुर गुरु शुक्राचार्य, शुंभ तो अभी अभी अपने पद पर आसीन हुए, नवीन असुर महानायक है तो मैं मानता हूं कि अधिक ज्ञात नहीं है, किंतु आप
आपको तो भली भांति ज्ञात है कि देवताओं के किसी भी उत्सव सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश को ही निमंत्रण भेजा जाना चाहिए। इतनी बड़ी वो भी आपसे हुई, विश्वास नहीं होता। इन्हें विश्वास दिलाना होगा कि इन्हें यहाँ से दूर रखने का कोई विशेष कारण नहीं है, अन्यथा कहीं ये हमारी योजना न समझ जाए। सृष्टि पर जब बड़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनय की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। नहीं अनुज, गणेश ये तो सर्वथा अनुचित था, घोर अपमान है, और इस घोर अपमान के पश्चात अब हम एक क्षण भी यहाँ नहीं रुके। वाह, जो हम चाहते थे वो स्वतः ही हो गया। ये दोनों तो स्वयं ही यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। अब हम निर्बाध अपनी योजना पूर्ण कर सकते हैं। तब तो अनर्थ हो जाएगा। अपने अपमान के कारण यहाँ नहीं रुकेंगे तो देव समूह भी यहाँ नहीं रह सकता। इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव और कुबेरदेव, इन नवीन असुर महानायक ने आपके प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान किया है। आपके प्रथम पूज्य का अपमान, आप सभी का भी अपमान है। तो आप सभी अभी तक यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? चलिए। ये क्या हो गया? अभी तो उत्सव का आरंभ ही हुआ है और मुझे तो उचित प्रकार से स्वर्ण लता से भेंट करने का अवसर भी प्राप्त नहीं हुआ। मैं अभी यहाँ से जाने का इच्छुक नहीं। चलो अनुज। जी भैया, चलिए। निरर्थक हो जाएंगे हमारे सभी प्रयत्न, व्यर्थ हो जाएगी हमारी योजना। नहीं, हम गणेश जी और कुमार कार्तिकेय के साथ इन देवताओं को यहाँ से कदापि नहीं जाने दे सकते। मित्र शुम, सम्मान सहित अनुरोध कर कुमार कार्तिकेय और गणेश जी को रोक लीजिए, जाने मत दीजिए उन्हें। देवराजेंद्र, इनको जाना है तो जाने दीजिए। मैंने तो इन्हें निमंत्रण भी नहीं भेजा था, तो क्यों चले आए? देवोत्सव में प्रथम पूज्य गणेश जी को ही निमंत्रण न चाहिए? ये तो वास्तव में उनका ही नहीं, हम सभी देवताओं का अपमान है, जैसे हम अंधे का कदापि नहीं कर सकते। इसका तो एक ही उपाय, मित्र शुंभ अपने इस दोष के लिए क्षमा मांग ले। आप सभी देवता अभी भी यहीं खड़े, अर्थ क्या है इसका? क्या आप सभी को आपके प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान स्वीकार है? आप सभी अभी भी निरुत्तर हैं। क्या आपके मौन को ही आपका उत्तर समझ लूं मैं? क्या मान लूं कि आप सभी अभी भी यहीं रहना चाहते हैं? उचित है फिर। चलो गणेश, जो अनुचित है उसका हम समर्थन कैसे कर सकते हैं? कदाचित यहाँ से प्रस्थान करने के अतिरिक्त कोई उपाय शेष नहीं हमारे समक्ष। अरे, ये तो सभी देवता प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से। ये क्या कर रहे हो शुंभ? अगर ये लौट गए वापस तो इनके साथ सभी देवताओं को भी लौटना पड़ेगा। रोको उन्हें। देवताओं के साथ हमारी योजना को सफल करने के लिए इन्हें रोकना अत्यंत आवश्यक है। शीघ्र कुछ करो। रुकिए। रुक जाइए सभी। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, उसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे मंत्रियों ने आप दोनों के विषय में मुझे अवगत नहीं कराया था।
समझते हैं? आप तो अभी असुर महानायक बने हैं ना? अभी तो आपको बहुत कुछ जानना सीखना शेष है। किंतु चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे आप। और फिर ऐसी भूल कदापि नहीं करेंगे। हाँ हाँ उचित है, हमें अपनी भूल सुधार करने की अनुमति दीजिए। आप यहाँ आए, हमारा आतिथ्य स्वीकार किए बिना यहाँ से चले जाएं, ये कैसे संभव है? इस उत्सव का आनंद लिए बिना हम जाने नहीं देंगे। विनर विनती को स्वीकार करें और अपने साथ का सौभाग्य प्रदान करके हमें कृतार्थ करें। मेरे अग्रज देव सेनापति कुमार कार्तिकेय और मैं प्रथम पूज्य गणेश आपका ये निमंत्रण स्वीकार करते हैं। गणेश और कार्तिकेय की आगमन योजना धरी की धरी रह गई, किंतु यहाँ तक पहुंचाकर इस मौके को भी नहीं गवाया जा सकता। प्रथम न सही किंतु दूसरी योजना को आगे बढ़ाया ही जा सकता है, जिसे ये गणेश भी नहीं समझ पाएंगे। शत्रु चाहे कितनी भी चतुराई करे, बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति वही होता है जो युक्ति से उसकी चतुराई विफल कर दे।